वेलकम फ्रेंड्स, एआरजे गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको दे रहा हूं चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित जो जानकारी है, उसकी चरणबद्ध प्रक्रिया जो है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं। ये जितने भी पॉइंट यहां पे लिखे गए हैं सभी पॉइंट के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे रहा हूँ। ये दूसरा वीडियो है, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको ऊपर वाले ये चार पॉइंट जो है ये क्लियर किए थे, पीठासीन अधिकारी के संबंध में और आदर्श मतदान केंद्र की स्थापना के बारे में बताया था। यहाँ से अब मैं आज फिर शुरू कर रहा हूँ। एक जानकारी आपको देना चाहूँगा कि हमारा एंड्रॉयड ऐप जो है वह भी लॉन्च हो चुका है। ये एंड्रॉयड ऐप जो है ये आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिलेगा। ये आप देख रहे हैं, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, बताया था किस तरह से ये काम करता है। प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एआरजे गुरु नाम से आप जब सर्च करेंगे प्ले स्टोर के ऊपर तो आपको हमारा ये एंड्रॉयड ऐप मिल जाएगा। यहाँ पर आपको शिक्षक, शिक्षार्थी और कंपटीशन की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी जानकारी एक जगह मिल जाती है। एक बार इसको आप ज़रूर इंस्टॉल करके देखें। आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो हैं उनके कार्यों के बारे में, कर्तव्य के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे अपने पास समय रहेगा तो अपन इसके बारे में और जो पॉइंट हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, और अगर कुछ बच जाते हैं, वैसे बचना निश्चित है कि कुछ पॉइंट बचेंगे, वो तीसरे वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मतदान अधिकारी प्रथम के कर्तव्यों से, यानी पीओ फर्स्ट जो है उसके कर्तव्यों से शुरुआत करते हैं। प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का भार साधक होगा। जो निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति है वह पीओ फर्स्ट के पास होगी। निर्वाचक की पहचान के लिए प्रथम मतदान अधिकारी उत्तरदायी है, तो पहचान करने का काम जो है ये पीओ वन का है। निर्वाचक की पहचान का सत्यापन समुचित रूप से निर्वाचक नामावली में की गई प्रविष्टि के संदर्भ में करना चाहिए। प्रशासन द्वारा शासकीय पहचान पर्ची यानी वोटर स्लिप जो है वितरित की जाती है, जिससे मतदाता की पहचान की जा सकती है। यह पर्ची प्रशासन द्वारा बीएलओ की सहायता से बांटी जाती है, अतः इसके धारक को किसी अन्य दस्तावेज लाने की आवश्यकता नहीं है। याद रखें यह बात, यानी वोटर पर्ची जिसके पास है उसको अन्य दस्तावेज लाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु पहचान के लिए केवल वोटर स्लिप लाना ही पर्याप्त नहीं है। यह बात यहाँ पर दोनों बात दी गई है। मतदाता सूची में उपलब्ध फ़ोटो से मतदाता की पहचान करना अनिवार्य है। अगला है, मतदाता अपने साथ अशासकीय पर्ची भी ला सकता है जिस पर निर्वाचक का नाम, निर्वाचक नामावली में उसकी क्रम संख्या, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या तथा मतदान केंद्र की संख्या और नाम हो सकता है। जहां उसे मत देना है, इस पर्ची के साथ मतदाता को पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे। अगला है, पीठासीन अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अशासकीय पर्ची में किसी अभ्यर्थी या उसके दल या आवंटित प्रतीक चिन्ह नहीं छपा हो। देखिए, ये जो पर्ची, जो अशासकीय पर्ची लाता है उसमें ये ध्यान रखना होता है कि कोई जो पार्टी जो होती है वो पार्टी वाले अपने जो पेड के ऊपर कुछ छपवा देते हैं पर्चियाँ, ये यहाँ पे मान्य नहीं होगी। अगला है, अशासकीय पहचान पर्ची भी निर्वाचक नामावली में किसी निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टियों का पता लगाने में सहायता करेगी। अगला है, प्रथम मतदान अधिकारी पहचान पर्ची को लेकर निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की क्रम संख्या को पढ़ेगा। उस व्यक्ति को अपना नाम जोर से बोलने के लिए कहेगा। यदि आवश्यक हो तो प्रविष्टि से संबंधित अन्य विशिष्टियों के लिए भी कहेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पहचान पर्ची प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक मतदाता है। प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचान सुस्थापित हो जाने के बाद मतदाता की पहचान को चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रथम मतदान अधिकारी आने वाले मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात
उसका नाम अंडरलाइन नहीं करेगा, अपितु फोटो युक्त मतदाता सूची में उस मतदाता से संबंधित प्रविष्टि के बॉक्स में फोटो को छोड़ते हुए लाल स्याही से तिरछी लाइन अंकित करेगा। ये देखनी है आपको कि अंडरलाइन नहीं करनी है, बल्कि उसकी फ़ोटो को छोड़ते हुए लाल स्याही से तिरछी लाइन अंकित करनी है। महिला मतदाता के नाम के आगे ये सही का जो मार्क जो होता है नहीं करना है, अपितु उसके मतदाता सूची के क्रमांक पर गोला बना देना है। जिन मतदाताओं की पहचान फोटो पहचान पत्र के आधार पर की जाएगी उनके नाम में बाईं ओर ई अंकित किया जाएगा। यदि प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान का पूरा समाधान नहीं कर पाता है तो उस मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेजेंगे। पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाताओं की संक्षिप्त जांच करेंगे। अल्प आयु के मामले पीठासीन अधिकारी के द्वारा तय किए जाएंगे। यदि मतदाता की पहचान को चुनौती देनी है तो इसी स्तर पर दी जा सकती है। मतदाता सूचियां फोटोयुक्त हैं, यदि इनके मुद्रण में त्रुटिवश किसी मतदाता की फ़ोटो आयु लिंग या नाम गलत मुद्रित हो गया हो परंतु ऐसे मतदाताओं की पहचान अन्यथा सुनिश्चित हो जाती है तो उसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। तो ये तो थे प्रथम मतदान अधिकारी यानी PO1 के कर्तव्य। अब देखते हैं द्वितीय मतदान अधिकारी यानी PO2 के कर्तव्य। द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही का भार साधक होगा। यह प्रथम मतदान अधिकारी के पास मतदाता सूची की दूसरी प्रति के साथ बैठा होगा। इसके पास मतदाता रजिस्टर और मतदाता पर्ची होगी। जैसे ही मतदाता मतदान अधिकारी के पास आएगा वह मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करेगा कि इस पर कोई अमिट स्याही का निशान तो नहीं है। मतदाता की बाईं तर्जनी के नाखून और चमड़ी के रिज युग्म पर अमिट स्याही का निशान लगाएगा। मतदाताओं के रजिस्टर 17 कै में मतदाता की निर्वाचक नामावली का क्रमांक लिखेगा और मतदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी लेगा। मतदान रजिस्टर 17 कै में इपिक के आधार पर मतदान किए जाने वाले मतदाता के रिमार्क कॉलम में EP तथा वोटर स्लिप के आधार पर मतदान किए जाने पर रिमार्क कॉलम में VS यानी वोटर स्लिप अंकित किए जाएंगे। यदि मतदाता कोई अन्य पहचान दस्तावेज लेके आता है तो उसे दर्शाते हुए दस्तावेज़ के क्रमांक के अंतिम 4 अंक रजिस्टर 17 कै में रिमार्क कॉलम में अंकित किए जाएंगे। मतदाता के हस्ताक्षर का आशय मतदाता का नाम व उपनाम है, केवल निशान नहीं। इसका अर्थ यह है कि हस्ताक्षर जो है वो स्पष्ट होने चाहिए। यदि मतदाता अपना अंगूठा लगाता है तो मतदाता के बाएं हाथ का अंगूठा लगवाएं। यदि मतदाता बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो दाएं हाथ का अंगूठा लगवाएं। यदि दोनों ही अंगूठे नहीं हैं तो बाएं हाथ की अंगुलियों की छाप लें। यदि बाएं हाथ की अंगुलियां नहीं हों तो दाएं हाथ की अंगुलियों की छाप लें। यदि दोनों ही हाथों की अंगुलियां नहीं हैं तो मतदाता के साथी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी लेनी होगी। यह मतदाता जिस साथी की सहायता से मतदान कर रहा है। उपरोक्त कार्य करने के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी के द्वारा मतदाता को एक मतदान पर्ची जारी करेगा। इसमें वह 17 कै रजिस्टर की क्रम संख्या तथा मतदाता की निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या और अपने लघु हस्ताक्षर के साथ अंकित करेगा। द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी यह मतदान पर्ची शासन द्वारा जारी शासकीय वोटर स्लिप का प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूट नहीं है। PO2 के जो कर्तव्य हैं उनके बारे में थोड़े मैं बताना चाहूँगा। ये होता है मतदाता रजिस्टर 17 कै और इसमें ये यहाँ पे कुछ जो जानकारी होती है आपको भर लेनी है। विधानसभा या लोकसभा जो है उसके नंबर हैं
और मतदान केंद्र का संख्यांक नाम और निर्वाचक नामावली में भाग संख्या जो है ये आपको भर लेनी है। इस रजिस्टर का जो अंदर का पेज होता है वो इस तरह का होता है। यहाँ पे पेज संख्या होगी, यहाँ पे निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या भरनी है, यहाँ निर्वाचक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेना है। ध्यान रखें कि हस्ताक्षर के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई चिड़िया सी छाप जाए, बल्कि उसका नाम और उपनाम जो स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। और यहाँ पे टिप्पणी लिखनी है। और ये है मतदाता पर्ची जो PO2 जारी करेगा। मतदाताओं के रजिस्टर के स्तंभ एक के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या जो होगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी। निर्वाचक नामावली में यथा निर्वाचक की क्रम संख्या जो है वो यहाँ पे लिखी जाएगी, वोटर लिस्ट वाली। और यहाँ जो PO2 है उनके लघु हस्ताक्षर होंगे। अमिट स्याही लगाने का काम भी PO2 का होगा। तो अमिट स्याही मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी यानी जो इंडेक्स फिंगर है उसके ऊपर ही लगाई जाएगी, परंतु केवल एक बिंदु मात्र लगाने के स्थान पर अंगुली के नाखून के ऊपरी हिस्से से प्रारंभ करके पूरे नाखून से होते हुए चमड़ी से जोड़कर लंबे रूप में लगाई जाएगी। इसी कारण पहले से अधिक मात्रा में अमिट स्याही मतदान दलों को उपलब्ध करवाई जाएगी। देखिए पहले तो ये लगाई जाती थी सिर्फ नाखून और चमड़ी है इसके यहाँ पे जोड़ के ऊपर लगाई जाती थी, अब नाखून के ऊपर से लगाकर और यहाँ काफ़ी दूर तक एक लंबी लाइन आपको लगानी है। वैसे वीडियो की साइज कुछ ज़्यादा हो रही है, लेकिन PO3 के कर्तव्य भी एक बार साथ में देख लेते हैं। तो तृतीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य, तो PO3 जो है ये नियंत्रण यूनिट यानी CU का भार साधक होगा। तृतीय मतदान अधिकारी पीठासीन अधिकारी के पास उसी की मेज़ पर बैठेगा और मतदान अधिकारी द्वारा जारी मतदान पर्ची मतदाता से प्राप्त करके अपने पास क्रमबद्ध सुरक्षित रखेगा। नियंत्रण यूनिट के बैलेट बटन को दबाकर वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी बैलेट और बैलेट यूनिट को चालू करेगा। मतदाता को उसका मत रिकॉर्ड करने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में भेजेगा और मतदाता के द्वारा मतदान कर कंट्रोल यूनिट से बीप की आवाज़ आने तक मतदाता को वोटिंग कंपार्टमेंट में रोकेगा। उसके बाद में मतदाता के वोटिंग कंपार्टमेंट से वापस आने पर निर्वाचक की बाईं तर्जनी पर अमित शाही के निशान की जांच करेगा। ऐसा तो नहीं है कि मतदाता ने वोट देने के साथ ही अपनी जो अमित शाही है उसको मिटा लिया हो। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना है मतदान अधिकारी प्रथम द्वितीय और तृतीय जो है उनके कर्तव्य के बारे में जाना है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ये जो वोट जो है ना, टेस्ट वोट, चैलेंज वोट, निविदित मतपत्र, प्रॉक्सी वोट और ओवरसीज वोट, इनके बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। तो अगले वीडियो के अंदर मैं इन्हीं के बारे में बताऊँगा। और आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मतदाता 17 का रजिस्टर जो होता है उसके बारे में बताया है, मतदाता पर्ची के बारे में बताया है, अमित शाही के बारे में बताया है। ये कुछ जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है। और उससे पहले ये जानकारी मैंने आपको, चारों जानकारी आपको पहले दे दी थी, ये भी हो गई है और ये भी हो गई है। अब जो शेष जानकारियाँ जो है ये आपको अगले वीडियो के अंदर दूंगा। इस वीडियो के अंत के अंदर आपको अगला वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप इस अगले वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर किया करें, और अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब चैनल को भी कर लें, और एक बार हमारे एंड्रॉयड ऐप ARGGuru एंड्रॉयड ऐप है उसको भी डाउनलोड कर लें, उसको देखें। और कोई आपका सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बता सकते हैं, मेल ID भी उसमें दी गई है, वहाँ से भी आप बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे नए जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।